झड़के भा जी जान हम नान सुना दर्जा छः सात में पढ़ते रुपया डूबा था डेढ़ रुपये जी। अब वह ताजू भर उतना डेढ़ किराए भा पाँच रुपये में जी। आज आप हजार में हजारों में है वो तो यार भाई बाबू ने तीजी हाथ में दुआ से आराम धर दी नहीं रुपये जी। तब जुगल थे कहे तो बाजार जाला एक आन में लाइव उठ मिल जाए वो लिए बल एक आन में पाऊंगा गड्डी मिल जाए और अगर के बड़ी का बुखार हूँ मन होला और एक भी आन में तो मुँह झोड़ दिया या बाजार बैठी बिल्कुल जी रहे मुँह लोग झोड़ हाँ मैं देखा दिया था तो आपने तो ये कुमाऊनी लोकगीत जो सुनिया आप झोड़ के मैं कहना पापुल लुवान लोकगीत वो सब चीजें झोड़ मुँह लोग झोड़ ये भय मरी तो वो बादियाँ भय तेरी हर मुँह अलग अलग इकाई बिल्कुल बिल्कुल तब इलाम मुँह लोग झोड़ भय तब उसी के झोड़ में मासा झोड़ना को देख रहे मरी हमन मासा झोड़ना मासा लगे चेपे हमने वो गाल बटी तो मरी ऐसी हमन हाथ ऐसी बादी भय हो जो मध्यम मंथर गति जो गिरो वे बजे छो हारा मोनी ये ले दस किस मात्र ले झाड़ ना होती है मैंने ताला खेता शिवु सारा माला खेता गजा चलो ओ ताला खेता शिवु सारा माला के तकजारा बाना लटका कमर छटका पुना दियो की बजारा बाना लटका कमर छटका पुना दियो की बजारा तो ये पुराना ये लोग बहुत पुराना झोल चीज लटका कमर छटका पुना दियो की बजारा ये दियो की बजार की दियो की बजारा ये इसको बताइए आप दियो की बजार ले पड़ो बहुत बतवा बो जी तमाने शैमदेव नाम सुना था बिल्कुल शैमदेव शैमदेव है कौतिक एहरदेव एहरदेव शैमदेव झालदेव झालदेव सब देव माने देवता देवता अच्छा एहरी देवता एहरी शैम देवता हाँ देव की बजाना और झाली माली देव देवी जी बिल्कुल बिल्कुल आप जब जदिन यह चिता में यह वीक शिवराती कौतिक हूँ अलमार में वानी तमारा लम जी उन्होंने चरियो चरियो हो सूड़ चरियो बेचे का फोन वगैरह दूसरा उन्हें और कोई आलू मुटुक बड़ा रखो कोई जलेब बड़ा रखो कोई रहेगा बड़ा रखो देव की बाजार है वो देवताओं का जो उस दिन चल रहा है उस दिन जो चिता में बाजार लग रहा है उस दिन जो शैमदेव में बाजार लग रहा है उस दिन जो एरदेव में बाजार लग रहा है वो भाई देव की बाजार है बाना लटका कमर छटका बाना बान है बाना बाना सुंदरी सुंदरी बाना लटका कमर छटका भुना देव की बाजार आज देव की बाजार लग रहा है खासकर कपड़ों दान पूरे चाचे यहाँ पर जधन झड़ गोनी उधर वहां चाचेरी को देर भय और तो कोई झड़ में चाचेरी में ताले एक भय ताले एक हो एक बात है ना वहां चाचेरी को देर भय
नाम एक्चुअली उसका नाम छबीली है, क्योंकि उस छबीली इसलिए था ये गीत घर में गाने लायक, घर में इसका गायन कम होता था, ये गीत मेले में गाते थे, मेले ठेलों में, जैसे अल्मोड़ी में नंदा देवी का मेला है, बागेश्वर में ये उसका मेला है, यानी का मेला है, तो वहाँ गाते थे, वहाँ पुरुष और पुरुष ही लड़की बन के नाचते थे। अब उस जमाने में अपनी लड़की को उस मेले में नाचने के लिए कौन भेजेगा, तो मेरे पिताजी भी कहते थे आज वे सभी को तिड़ी रचे उपना जैसी भीपना निचनी, तिड़ी रचे उपना जैसी भीपना निचनी, ये निरौनी निरौनी भागी ककी यो जवानी। बाबू बाजार में शिंगाड़े खाना बड़ा शौक है मेरे बुआ जी के, ये रुपए पांच छह राते शिंगाड़े लेनी है मेरे भाई आठ जनी है इस बंदीर में, और ये मैं तो पाते में दे दी कल शिंगाड़ी पात घंटे जाने चट में तो फोन दे वो हमन का चरचर लगो नहीं चरचर बिल्कुल, तो जो गीत में हमन के चरचर कोई आदिम लगो और फिर बाद में हमन के बोते हो तुम रूठी रहो मैं मनाता मजा जीने का और भी आ रहा है जी जी, तो चरचर के लगो नहीं भाई घर रहो परदेश में और वहां पर एक चिट्ठी भेजे कि अपन प्रेमिका हूँ या अपन नहीं शैणी हूँ मैं ऐसे बहुत तुह यो चीज लो यो हम तुम्हें वो रंगीन भुट्टदार बिलौद पसंद हो उलियोन में, तो गीत के सुख सर से लगोनी गोपुली तो ए होनी बेलो जा जायो मेरी गोपू शट कर ली गो चोरा गोपुली चाय खाना मंगा ला ले गोपुली नौ बिशी नौ ओरा गोपुली तो ए होनी ना थोड़ी जायो मेरी गोपू शट कर ली गो चोरा। क्या बात है अब यार ये चर्चे एक प्रेमिका के लिए क्या बात है सात तहों में छिपा करके बड़े प्रेम से एक सामान लाया है उसको चोर कैसे सटका ले जाएगा, लेकिन फिर वही बात प्रेम में छेड़छाड़ करके अपना एक अलग महत्व होता है जो मैंने पहला ही कह दिया था तुम रूठी रहो मैं मनाता नहीं आता है, तो थोड़ा मतलब झूमते हुए जिसको हा सकते हैं सरला काफ न्योली का मतलब है नवेली जी, नवेली और उसमें अधिकतर ये जो छंद होते हैं श्रृंगार रस के छंद ज्यादा होते हैं, न्योली तीन तरह से गाई जाती है जी। सबसे पुरानी जो शैली है
वो है सोरियाली से, सोरियाली बिल्कुल शोर की, शोर की हाँ। उसके बाद हमारे रिठागार में बहुत अच्छे लोग गाए हुए, उन्होंने जिस विधा को अपनाया जी उसको रिठागारी शैली कहते हैं। पहले यहाँ हमारे वहाँ नेपाली लोग बहुत आते थे घर का काम करने के लिए, सड़कों का काम, जंगलों का काम, तो वो जो गाते थे सोरियाली शैली की न्योली, थोड़ा बताइए बहुत प्रेम चलती है अच्छा। जैसे कि यो पड़ो बसुआली ओ यो पड़ो ब पंछी होनी उड़े मैं तेरी ये सब बिल्कुल सामान्य ये नेपाली हो गई। अब रिठा गाड़ी की बता, ये तो नेपाली बताया आपने, नहीं ये सोरियाली, सोरियाली ये सोरियाली है जी। अब रिठागारी, रिठागारी मुझे लगता है कि इस न्योली का सौंदर्य बढ़ाने के लिए रिठागार के लोगों ने, खासकर मोहन सिंह बोला रिठागारी जी ने, इन्होंने इसका उपयोग किया जी। कैसे जैसे ये एकदम ऊपर जाती है एकदम नीचे आती है, बिल्कुल बिल्कुल इसका चलन उस तरीके से है। हाँ जैसे एक चौथाई पंक्ति है उसको सोरियाली शैली में गा रहा हूँ। काली बाह करी बहन लायो ओ बहन को बहन सा, ये प्लेन ये सोरियाली शैली ठीक हो गया। इसी को जब हम रिठागारी शैली में गाएंगे तो उसको वो काली बाह करी काली बा सीधे ऊपर जाएगी, वो काली बा करी बने लायो ली वो बने को बने सा ओ त्यारे सीधे ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, ये रिठागारी हो गई। अब आप नेपाली सुनाऊंगा। ये यो बड़ो बराबर वारण झूला न्यूजी यो बड़ो बराबर ए पंछी होनी उड़ी होनी कठाई झूले मारियो मैं तेरी तरफ आ तो ये नेपाली 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 का हरी देवता हरी व्यापनी दड़ जा पंज नाम जप तो शुभ रह आत्मी। आपने बचपन में अंताक्षरी खेली हो, कुमावनी में जब अंताक्षरी करते हैं हल्के से समझा, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको हम भगनौल कहेंगे। बिल्कुल अंताक्षरी में सबसे पहले हम क्या कहते हैं, शुरू करें अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, लेकर भगवानों का नाम भगवाना नौल भगवाना नौल बटी भगवान बन गए सदा भगवान समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। आवीर मोहन सिंह या प्रताप सिंह सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश पांचों देव रक्षा करे पे ब्रह्मा विष्णु महे कटने के खैसो धन बना दे सो रजवाड़ी रह सो मेरी आशल कुशल भले सो भाई लोगो पपिष्ट यूत मैं भली से
भगार में जो आप भगवान ये तो बिल्कुल भगवान यहाँ से अब ये भगवान का नाम ले लिया भगवान शुरू करो लेकर लोगों तक पूछना चाहिए कि भगनौल और बै कैसे क्या चीज़ है शुरुआत ही बहुत सुंदर अपोलियो बताए तो आगे अभी अब भगनौल का है वो अब बै दुनिया दुरिंग है के बहतो बेमानो कह के करो मन कशी रे पके हो भी अब हम आया बैर बैर अब हो गया है पांडित्य का युद्ध पांडित्य का युद्ध जी बिल्कुल यही मैं लोगों तक पांडित्य का युद्ध क्या हुआ जी आप एक आदमी सवाल पूछना जी जुगल किशोर पेठशाली पूछना नवीन बिष्ट ने जी बिष्ट जी एक दिन आपन माओ को उठो जाने जी बाट में गुरबगार सरना जी गुआ उलह रहो जी पर गुआ डड़ा डाल रहा रहो करना जी मेरे को नंटी रहो तुम डाल के ले माना जा उनको हमारे गुर भी आना क्या उनको पर गुर भी आना पर तो खुशी बात में तब तो डाल के ले माना जा उनको गुर भी आना पीड़ हमारे बल दगा लग रहा है क्या बात है जय हो पीड़ हमारे बल दगा लग रहा है हाँ बल्द मगर बल्दर तो हाँ फर्क है लेकिन तो क्या बात है क्या बात है गुरु ब्याण भगत जो बल्द में पीड़ लागी रे मैं आपसे सच कह रहा हूँ जी गुरु का ब्याण में बल्द न रहना तो सन 1939 में बिल्कुल तो के नाम तो डर तो उनका गौरदा 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 ने रैम जी के प्रांगण में लोगों से कहा इसका अर्थ बताओ अर्थ बताओ गुरु का ब्याण में बल्द न रहना ये अब ये ऐसा हुआ उदयलाल शाह जी थे जिनका अल्मोड़ा में रेस्टोरेंट है जी जी उदय तो बाजार में संभव उदय रेस्टोरेंट जी उनका पेठशाल जी यह उत्तर तुम पता सकता कि लगी तुम साहित्य का आदमी था उन्होंने मगर चाहे रेंज कर दी बार मैंने कहा हो बीस्ट जो बात मैंने कहा गुरु प्याण भगत बदलाव नौराज पड़ो जी आंख भर कर आगो जी बदल मरणों तो यार जी क्या बात है मैंने कहा बीस्ट जी मैंने नाल में तो यश होना जी सन 71 में हिंदुस्तान पाकिस्तान ने लड़े में है क्या बात है क्या बात है पाकिस्तान ब्यानो बांग्लादेश में दुआ और भुट्टोला फर गए थी बोल दो ना फर गए क्या क्या भुट्टोला फर गए बिल्कुल फर गए भुट्टे पेट में पीड़ में हां बिल्कुल उन्हें लो को ना लो गाड़ को दुनिया लो गुरु ब्यान भगत जो बल का पीड़ लग रहे थे तो पाकिस्तान को भुट्टो ने हो ये हुआ ये जवाब दिया ये जवाब मुझे किसी ने नहीं बिल्कुल तैसा है दाजी वो एक तो उन्हें लो गालो को दुनिया लो उन्हें लो गालो को दुनिया लो दाजी एक हाँग में एक भाई भाव मानो जी अरे दाजी जी रहे हाँ जग रहे हाँ तो मेरी बाबरी है जोन पर एक हम बार बान बानो जी वो भाई तो साथ हाँ में ओशी गालना उन्हें बहुत बहुत सवाल पूछते तबन को एक है हल माना जी एक का हवा बल्द में एक का है ले में एक का हम है और एक का हम बहु बाने हो सात गाल में शिकार ने भाग में के घारो करती रहो गजारो तब भागे अब तो या को बिचने चारो पहो बिस्तर जी मगर यार लगना कोई आदम कोई हैया ने हई ने
कोई क्लर्क ऑफिस में टाइप करने से एक कार्बन पेपर एक लिखना मुझसे कुमाऊनी में भी कुमाऊनी में और ये हिंदी शब्द में रखवाली 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 मतलब पहर। अच्छा तो उमें हमारे बुजुर्ग ने मान्यता यो है तो हम अनुमान पहुँचा पा ढूंढा जा रहा भेज टूटी बंगाल में जाने कब्बर टूटी बहुत जी जी पचपन जन जा रहे तो बंगाल भितर जन जा तो भितर भूत टोड़ी खाए और जो जैसे नदी पार करते समय जी पुरुष को तो कुछ नहीं होता लड़के लेकिन लड़की को मशान लग जाता है मशान लग वो उसके दो नाम है मशान भी और जलतराश भी जलतराश उडियार भीतर अचिक लग गया उडियार भीतर कहने वाला गुफा के अंदर जो रहता है भूत उसको कहते हैं खबीश खबीश। अच्छा तो कई नाम है जपा हुआ कैसे दूसरे क्या एक आध बार मुझे भी अचक लगा है बचपन में पेट साल में जाता था रास्ते में जंगल के धीरे पड़ते थे तो मैं आके सो गया जबकि घर आने के बाद बच्चे कहते हैं माँ से खाना दो ये करो सो करो या माँ जो भी कहती है तो मुझे अचक लग गया होगा तो इजाने हाथ यो देखा मेरा नहीं इसका हाथ बहुत ही गर्म हो रहा फिर तो सिर में हाथ रखा आज ही क्या हुआ इसको सुबह तो ये ठीक ही था और ये समय माथा भी इसका बिल्कुल गर्म हो रहा है और ये कमजोर बड़ा हुआ है इतने कोई बुढ़ा या बुढ़िया अरे इसको भूत लग गया होगा या अचक लग गया होगा ये उस समय कहते थे तो गांव में कई बुजुर्ग होते थे जो ये रखवाली जिसको कहते हैं हिंदी में जिसको रखवाली कहते हैं वो जानते थे भूति लगाते थे तो वो कभी कभी ठीक हो जाता था अगर उसका असर हुआ तो जी। अच्छा अब इसमें यह है तंत्र मंत्र के अधिष्ठाता देव भगवान शंकर माने जाते हैं तो सबसे पहले इसमें भगवान का नाम लिया जाता है और वो आदमी अगरबत्ती वगैरह जलाता है दीपक की व्यवस्था हो गई वो जला लिया अगरबत्ती जला दी जी तो उसके मंत्र होते थे ओम महादेव ने बनाई पार्वती ने मिसाई उसमें बड़ू पीपल पया मिसाई उसका बबूत का ग्वाला बनाया सोर की भगवती ने बबूत का ग्वाला चलाया हाट की कालिका ने बबूत का ग्वाला चलाया सौरा फौरा पैक ने बबूत का ग्वाला चलाया हनुमान वीर ने बबूत का ग्वाला चलाया अर्जुन वीर ने बबूत का ग्वाला चलाया तो उसका असर क्या हुआ तो उस बभूत के ग्वाले ने क्या किया नारो घाट को मशाणहा को बंसल घाट को मशाणहा को लोड़िया मशाणहा को चोटिया मशाणहा को छरहा को छिदरहा को बाएहा को बातहा को अंचरी खचरी हाँ की तो वो आदमी भूत से कह रहा थे आँख बैठे अरे भूत तो कहाँ है तूने इस बच्चे पर अटैक कहाँ पर किया है आँख बैठे जाला खोली गाड़ू कान फटे ताला खोली गाड़ू हिया फटे हिया सूटी गाड़ू कंठा फटे कंठा टूटी गाड़ू नख फटे झिड़ी गाड़ू बाल फटे पानी गाड़ू लोही फटे दोही गाड़ू नौ नाड़ी बहत्तर कोठा से खैच खैच के बाहर निकालू निकालू चल चल शेरी शिमार चल गैदी गिजार चल ऊंचा पहाड़ चल कलुआ तार चल जहाँ तेरी मस्ती वहाँ चल चल बिचल करे तो कुकड़ा की ठुंडी न खावे न पावे बदर मुहा की मुंडी न पावे बंदो रे बंदो अब तुझे बांधने की बारी आ गई तो ऐसे अगर नहीं मानेगा तुझे बांध देंगे और कैसे बांधेंगे किस किस चीज से बांधेंगे बंदो रे बंदो नायो बंदो लगायो बंदो गाड़ गई कड़सुनी बंदो आसमान का जोगड़ी बंदो पाताल का डाकड़ी बंदो शीत का शीतला बंदो अर्जुन का हार कैया लोहार लुहा सार का आला चाला काल चाणल बंदो लोहे के मतलब लोहार के टंडे से और ये जानवरों की आंतों के रस्सी बना करके उससे तुझे बांध दूंगा
चल चल छेरी छिमार चल कहरी हजार चल ऊंचा पहाड़ चल चल हुआ ताल चल जहाँ तेरी बस्ती वहाँ चल चल बिचल करे तो कुकड़ा की ठुंडी न पावे बंदर मुखा की मंडी न पावे मुंडी न पावे। ओ नमो आदेश धरती माता को आदेश चार सिद्ध बार पंथों को आदेश काशी के कुताव को आदेश अर्जुन वीर को आदेश हनुमान वीर को आदेश मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चार 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 ये रखवाली हो गया।